हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाइर स्टडी वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिव एग्जाम्स प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वो कैबलरी बाय बाई वोकैब ट्वेंटी फोर एप सो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे दैट इज द रूज रूज द मीनिंग ऑफ द रूज इज अ प्लान और अ प्लॉट टू मिसलीड सम किसी के साथ कोई चाल चलना किसी के साथ कोई ट्रिक चलना उसको अपन बोलते हैं रूज में इसके प्लॉय स्ट्रेटेजियम टैक्टिक मूव ट्रिक गैमबिट या फिर मैनवर और एंटीन से फ्रेंकनेस ऑनेस्टी ओपननेस रियलिटी स्टैग्नेशन विथ और या फिर ट्रूथ तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है आपके पेपर के लिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल मैनी होम इन्वेडर्स गेन एसिस टू होम यूजिंग द एक्यूज ऑफ अ लॉस्ट चाइल्ड एज अ रूज आप देखते हैं इसके ट्रिक जो कि बहुत ही आसान है रशिया ने नकली प्लेन देकर इंडिया को रूज किया तो देखिए रशिया ने क्या किया रूज़ किया देखिए कि दोनों ही कितने सिमिलर वर्ड्स है रशिया रूज तो रशिया ने क्या किया नकली प्लेन देकर इंडिया को रूस किया जैसे कि सभी को पता है कि रशिया इंडिया को काफी सारे फाइटर प्लेन देता है जैसे कि मिग ट्वेंटी नाइन सुखोई ये सारे मिग ट्वेंटी वन ये सारे प्लेन क्या रशिया के दिए हुए हैं तो रशिया ने नकली प्लेन देकर इंडिया को रूस किया तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं ओके कि रशिया ने नकली प्लेन देकर इंडिया को रूस किया सो द मीनिंग ऑफ द रूज इज किसी के साथ में कोई चाल चलना किसी के साथ में कोई टैक्टिक अपनाना कोई प्लान बनाना ओके किसी को धोखा देना तो अपन उसको बोलते हैं रूस देखते हैं अगला रेफरेंडम ए जनरल वोट बाय द इलेक्ट्रोड ऑन अंगल पोलिटिकल क्वेश्चन विच हैज़ बीन रेफर टू दैम फॉर अ डायरेक्ट डिसीजन जनमत अगर कोई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों के वोट लेकर कोई चीज़ को जानना चाहती है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो उसको अपन बोलते हैं रेफरेंडम तो उनको रेफर कर देती है लोगों को रेफर करने को अपन बोलते हैं रेफरेंडम सिनेमा के पब्लिक वोट प्लाबिसाइड पॉपुलर वोट या फिर पोल अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल डूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस इट इज हाईली अनलाइकली पीपल विल सपोर्ट द रेफरेंडम फॉर अ टैक्स इंक्रीज अब देखते हैं इसकी ट्रिक रेफर किया जाता है एंड में तो रेफरेंडम देखिए कितना आसान हो गया है इसको याद करना कि रेफर और एंड दोनों ही आ गए हैं यहाँ पे तो रेफरेंडम का मतलब क्या हुआ रेफर किया जाता है अगर एंड में तो क्या है रेफरेंडम है जैसे कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ था केजरीवाल जी ने एक बार एक, एक बार सीएम का इस्तीफा देने के बाद में वापस से लोगों की वोटिंग करवाई जनमत संग्रह करवाया उसके बाद में वापस से इलेक्शन लड़ा तो लोगों को कोई चीज़ कोई चीज़ पूछना लोगों के पास डिसीजन लेना लोगों के साथ में तो अपन उसको बोलते हैं रेफरेंडम यानी कि रेफर किया जाता है एंड में तो रेफरेंडम तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं देखते हैं अगला प्रिक्यारिटी बींग अनसेटल्ड ऑन एन ए डाउट और डिपेंडेंट और चांस द स्टेट ऑफ बींग अनस्टेबल डेंजरस और डिफिकल्ट अनिश्चितता अस्थिरता जो बहुत अनसर्टेनिटी होती है किसी चीज में उसको अपन बोलते हैं प्रिक्यारिटी अब इसके सेनानम से अनसर्टेनिटी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बी मैंट या फिर ड्यूबैटी या फिर डाउटफुलनेस और एंटेनम से इसका एश्योरेंस सर्टेनिटी डेफिनेटनेस या फिर श्योरिटी अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल चूजिंग बिटवीन क्लोजिंग माई बिजनेस और लिइंग ऑफ एम्प्लॉयज पुट मी इन अ प्रक्यारियस पोजिशन अब इसके देखते हैं रिलेटेड वर्ड प्रिकैरियस यानी कि अनिश्चित प्रिकैरियसनेस अनिश्चितता और प्रिकरियसली यानी कि अनिश्चित रूप से अब देखते हैं इसके ट्रिक प्री क्लास में केयर नहीं मिला तो करियर प्रिक्यारियस हो गया देखिए ये वर्ड पहले भी आ चुका है हम उसको पहले भी कवर अप कर चुके हैं मैं वापस आपको उसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को प्री क्लास में केयर नहीं मिलेगा तो उसका करियर कैसा हो जाएगा प्रिकेरियस हो जाएगा यानी कि बहुत अनिश्चित हो जाएगा बहुत क्या हो जाएगा अनसर्टेन हो जाएगा ओके okay, तो उसी को अपन बोलते हैं प्री कैरियस देखिए फ्रेंड्स यहां पे एक रूट वर्ड भी है प्री अगर अपन रूट टेक्निक यहां पे यूज करते हैं अगर तो ये वर्ड हमारा गलत हो सकता था एग्जाम में क्योंकि रूट वर्ड जो प्री जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है अर्लियर बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ ओके अर्लियर बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ जो कि ये जो वर्ड है प्रिकारिटी ये तीनों से ही मैच नहीं कर रहा है इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो रूट वाली जो टेक्नोलॉजी जो स्ट्रैटेजी है ये हर जगह काम नहीं आती है इसीलिए हमने आपके लिए एक नई ट्रिक बनाई है और हम इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं हालांकि अगर कोई अच्छी कोई रूट वर्ड होता है तो मैं उससे आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे याद करना है लेकिन जैसे कि यहाँ पर अगर आप रूट टेक्निक यूज़ करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसका आंसर निकालना क्योंकि उसका जो प्री जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है अर्लीयर बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रिम्बल प्रिम्बल का मतलब क्या होता है अ पार्ट इन ए फ्रंट ऑफ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी किताब का जो पहला पन्ना होता है उसको अपन बोलते हैं प्रिम्बल तो प्री लग गया है वहाँ पे ओके okay, जिसका मतलब है अर्लियर बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ जैसे कि प्रिपेयर होना टू गेट रेडी इन एडवांस या फिर प्रिडिक्शन करना कोई भी चीज़ को फ्यूचर में बताना पहले से बताना तो यानी कि कहने का मतलब किसी चीज़ से भी प्रिक्यारिटी को अपन रिलेट नहीं कर पाते और हमारा आंसर गलत हो जाता इसीलिए हम इसको नए तरीके से पढ़ रहे हैं और बेसिक जो अपनी कम्युनिकेशन है जनरल वर्ड है उनसे अपन इनको रिलेट कर रहे हैं कि प्री क्लास में कहीं नहीं मिलेगा अगर किसी बच्चे को तो उसका फ्यूचर कैसा हो जाएगा प्री हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि यानी कि अनसर्टेन हो जाएगा तो अपन इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं और फ्रेंड्स अगर अभी आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अच्छे वो कैब और साथ में और अच्छी प्रिपरेशन कराने में हेल्प कर सकें देखते हैं अगला वाइबिलिटी अबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली विकास क्षमता अगर किसी में एबिलिटी है काम करने की सक्सेसफुली तो उसको अपन बोलते हैं वाइबिलिटी सैनम है इसके पोटेंशियलिटी कैपेबिलिटी प्रोफिसियंसी या फिर एफिकेसी और एंटीनम्स है इम्पर्टेंस इनअबिलिटी इनकेपिलिटी या फिर इनकेपेसिटी अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल वंस अपॉन ए टाइम सोलर पावर वॉज नॉट व्यूड एज अ वाइबल एनर्जी सोर्स यानी कि किसी टाइम में सोलर पावर को क्या नहीं मानते थे एक इस तरीके से नहीं देखा जाता था कि एक वो अच्छा एनर्जी सोर्स है अबलेटेड वर्ड है वाइबल यानी कि विकास सक्षम अब देखते हैं इसकी ट्रिक जिसमें एबिलिटी है काम करने की उसमें वाइबिलिटी है देखिए कितना आसान हो गया है अब एबिलिटी यहां पे भी आ रहा है और एबिलिटी यहाँ पे भी आ रहा है कि यानी कि जिसमें एबिलिटी है काम करने की उसमें वाइबिलिटी है यानी कि उसमें सक्सेसफुल होने की क्षमता है एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली जो सक्सेसफुली वर्क करेगा जिसमें एबिलिटी होगी उसी में तो वाइबिलिटी होगी ओके okay, तो वाइबिलिटी का क्या मतलब है एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली अगर कोई भी काम अब सक्सेसफुली कर रहे हो तो वो पर्सन कौन होगा एबल पर्सन होगा जिसमें एबिलिटी होगी तो जिसमें एबिलिटी है काम करने की उसमें वायबिलिटी है यानी कि विकास क्षमता है तो इस तरीके से अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं आप दोनों वर्ड एक जैसे हैं एबिलिटी और वायबिलिटी देखते हैं अगला स्प्राउट टू डेवलप और शूट फोर्थ उत्पन्न करना या फिर विकसित होना किसी चीज को ग्रो करना या फिर किसी चीज को डेवलप करना उसको अपन बोलते हैं स्प्राउट सिनोनिम्स है इसके जर्मिनेट ग्रो डेवलप राइज या फिर इमर्ज और एंटीन से ऑल स्टॉप डाय श्रिंक या फिर शेवल। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल द तो यंग एक्टर डिसाइडेड टू स्पाउट ए बेयर टू गिव हिमसेल्फ अ मोर एज अपीरियंस यानी कि एक यंग एक एक्टर ने क्या किया अपनी दाढ़ी को बढ़ा लिया ताकि एक एज्ड अपीरेंस के लिए मूवी के लिए क्या एक वो बड़ा उम्र में ज्यादा बड़ा दिखे अब इसकी वर्क फॉर्म है स्प्राउट स्प्राउटेड एंड स्प्राउटेड अब देखते हैं इसके ट्रिक स्प्राउट खाने से बॉडी स्प्राउट होती है तो देखिए कितना आसान है अब स्प्राउट्स खाने से अंकुरित जो अंकुरित जो अपना अनाज होता है अंकुरित अपन इसको हिंदी में अंकुरित बोलते हैं जैसे कि ये है तो स्प्राउट्स खाने से बॉडी क्या होती है स्प्राउट होती है यानी कि बॉडी ग्रो करती है अगर कोई जिम जाएगा तो उसको ट्रेनर हमेशा बोलेगा कि स्प्राउट्स खाने चाहिए ताकि उसकी मसल ग्रो करे ओके तो स्प्राउट्स खाने से बॉडी क्या होती है स्प्राउट होती है यानी कि ग्रो करती है विकसित करती है डेवलप होती है तो देखिए दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं और आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं इस तरीके से स्प्राउट भी है यहाँ पर भी स्प्राउट और यहाँ पर भी स्प्राउट देखते हैं अगला फ्रेंड्स ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पर, वो कैब में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं और यू आर इन वीक इन वो कैप यू कैन परचेज दिस पेन ड्राइव कोज इन विच यू विल गेट अ थ्री थाउजेंड वर्ड्स In 60 videos in which you will get a very short track by which you will easily able to remember all the vocabs. And apart from it, you will get a meaning in Hindi synonyms, example, images. If you want this via vocab 24 app, or you can access this via vocab 24 app, you will just get in 497 rupees. And if you want in a 8 gb pen drive, then you will get in 999. And if you have any query, then you can use this number that is 702333675. So ियस विभिन्न चीजों को एक साथ रखने को अपन बोलते हैं असॉर्टेड अब देखते हैं इसके सेनानम्स डाइवर्सिफाइड वेरिड वेरियस मिसलेनियस डाइवर्स ऑफ डिफरेंट काइंड और एंटीनम्सके सिमिलर अनवेरिड सेम या फिर अलाइक तो जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं उनको अपन बोलते हैं असॉर्टेड देखते हैं एग्जाम्पल शी कैप्टन असॉर्टेड सिलेक्शन ऑफ मूवीज ऑन हैंड इन केस एनी ऑफ हर गेस्ट वॉन्टेड टू वॉच समथिंग यानी कि उसने कई तरीके की मूवीज का कलेक्शन रख रखा था ताकि अगर उसके कोई गेस्ट कोई डिफरेंट मूवी देखना चाहें तो सब अपने अपने तरीके की देख सकें अब वह फॉर्म है इसके असॉर्ट असॉर्टेड एंड असॉर्टेड ऑलरेडेड वर्ड है असॉर्ट यानी कि अलग अलग करना और असॉर्टमेंट यानी कि पृथक अब देखते हैं इसकी ट्रिक असॉल्ट राइफल के लिए कोई कई चीज़ों को असॉर्ट करना पड़ा अडोल्फ हिटलर को तो असॉल्ट राइफल का नाम सभी ने सुना होगा जैसे कि ए के फोर्टी सेवन है ये सभी क्या चाहिए असॉल्ट राइफल्स हैं ये जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काम में ली गई थी और अडोल्फ हिटलर हिटलर ने इनको बनाने में बहुत हेल्प वो ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया था तो असॉल्ट राइफल के लिए कई चीज़ों को क्या करना पड़ा असल्ट करना पड़ा यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक साथ रखना पड़ा ओके okay, तो यहाँ पर इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि असॉल्ट का मतलब और असॉल्ट को असॉल्ट से रिलेट करके ओके okay, कि असॉल्ट राइफल के लिए कई चीज़ों को असॉल्ट करना पड़ा अडोल्फ हिटलर को ओके okay, तो असॉल्ट और असॉल्ट दोनों एक जैसे हैं और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं देखते हैं अगला वर्ड कंसेंसेज द जजमेंट अराइव्ड एट बाय मोस्ट ऑफ दोज कंसर्न ग्रुप सॉलिडिट्री इन द सेंटीमेंट्स एंड बिलीव सहमति अगर सभी लोगों की किसी चीज़ में सहमति होती है या सभी एक ही चीज के अंदर अपना मत देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कंसेंसेस के अकॉर्ड हार्मनी कंकरेंस कंसर्ट यूनिसन एंड और एनिमिटी और एंटीनम्स डिसग्रीमेंट डिसेंशन अपोजिशन रिफ्यूजल या फिर ओपोजिशन अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड दैट ही वुड नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स विदाउट द कंसेंसेज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो नए टैक्स को नहीं लगाएंगे जब तक लोगों की इसमें सहमति नहीं होगी सर्वसहमति नहीं होगी अब इसकी वर्क फॉर्म है कंसर्न कंसंटेड एंड कंसंटेडेड वर्ड है यह वर्ड okay, तो आपका consensus. तो consensus का मतलब क्या है सर्व सहमति अब देखते हैं इसके ट्रिक सेंसस कराने के लिए सबका कंसेंसस होना जरूरी है तो देखिए सेंसस कराने के लिए जैसे कि इंडिया के 2011 के अंदर सेंसस हुए थे जिसके अंदर भारत की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन बताई गई ओके okay, 2011 के अंदर तो देखिए अगर सेंसस कराना है तो सब इसके लिए सबका कंसेंसस होना जरूरी है देखिए यहाँ पे भी सेंसस आ रहा है और यहाँ पे भी सेंसस आ रहा है तो सेंसस का मतलब क्या है सबका सहमति होना बहुत ज़रूरी है सहमति होनी बहुत जरूरी है ओके क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगता है नियर बाय दो की अगर अपन बात करें ओके तो बाईस करोड़ रुपये लगे थे सेंसस कराने के लिए तो अगर सेंसस कराना है के लिए सबका कंसेंसिस होना जरूरी है यानी कि सबका सहमत होना बहुत ज़रूरी है तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं देखते हैं अगला रिनेग टू गो बैक ऑन ए प्रोमिस अंडरटेकिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुकरना पीछे हटना किसी प्रोमिस से अंडरटेकिंग से कॉन्ट्रैक्ट से उसको अपन बोलते हैं रिनेग सीनानम से इसके डिनाइल रिवर्स ने रिट्रीट ऑन विदड्रॉ फ्रॉम और एंटेनम से एग्री अलाउ ये इसका एग्जाम्पल आई वैन टू अनदर कार डीलर आफ्टर द सेल्स मैन ट्राई टू रिनेग ऑन द लो प्राइज ही इनिशियली ऑफर्ड मी यानी कि मैं कहीं दूसरे कार डीलर के पास चला गया जब सेल्समैन अपनी बातों से जो उसने इनिशियल प्राइस मेरे को ऑफर करी थी उससे पीछे हट गया अब इसके फॉर्म है रिनेग रिनेग्ड एंड रिनेग्ड अब देखते हैं इसकी ट्रिक रिनी ने सही एज का पता चलते ही लड़के को रिनेक किया तो देखिए सही एज रिनेक एक जैसे वर्ड्स है रिनी एक लड़की है ओके तो उसने सही एज एक लड़के की सही एज पता लगती है क्या किया उसको अपने प्रॉमिस से पीछे हट गई वो तो रिनेक किया तो रिनी ने सही एज का पता चलते ही लड़के को रिनेक किया ओके तो सही एज और रिनेक देखिए दोनों एक जैसे वर्ड सही एज और रिनेक तो रिनी ने सही एज का पता चलते ही लड़के को रिनेक किया यानी कि अपने प्रॉमिस को पीछे प्रॉमिस से वो पीछे हट गई तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं देखते हैं अगला एटीट्यूड ऑफ डाउटिंग द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट संशयवाद तो किसी चीज के ऊपर डाउट करना किसी के ट्रुथ के ऊपर डाउट करना उसको अपन बोलते हैं स्कैप्टिसिज्म के डाउटफुलनेस डुशनेस डिसबिलीव या फिर सस्पिशन और एंटेनम से बिलीव कंसर्टेनिटी श्योरनेस या फिर ट्रस्ट अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल इट इज इट इज अ जॉब ऑफ अटिस्ट टू रिमेन स्कैप्टिकल्टिल ऑल एविडेंस प्रूव समथिंग टू बी एब्सोल्यूटी ट्रू यानी कि ये जॉब है साइंटिस्ट की कि वो हमेशा संदेह में रहे तब तक उसके पास सारे एविडेंसेस नहीं मिल जाए जा, जो कि सारे सच हो अब इसके रिलेटेड बढ़े स्कैप्टिक यानी कि संदेहवादी स्कैप्टिकल संशय संशयात्मक और स्कैप्टिकली यानी कि संशयपूर्ण ढंग से अब देखते हैं इसके ट्रिक ट्रेन में लगने पर एक ने एंटीसेप्टिक लगाने को बोला तो हम स्केप्टिक हो गए देखिए एंटीसेप्टिक स्कैप्टिक दोनों एक जैसे हैं एंटीसेप्टिक और स्कैप्टिक जैसे कि ट्रेन में कोई ट्रैवल कर रहा है और किसी के लग गई है तो एक अननोन पर्सन ने आके एंटीसेप्टिक लगाने को बोला तो सब कैसे हो गए स्कैप्टिक हो गए सबको डाउट हो गया कि ये क्यों लगा रहा है क्यों हेल्प कर रहा है ओके तो इस तरीके से देखिए आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं अपनी जनरल जो कंडीशन है उनसे और इजीली एक वो याद कर सकते हैं और उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं कि ट्रेन पर लगने पर एक ने एंटीसेप्टिक लगाने को बोला तो हम स्केप्टिक हो गए यानी कि हमें डाउट हो गया तो एंटीसेप्टिक और स्केप्टिक देखिए दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं और इस तरीके से आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं देखते हैं अगला इन ए नट शेल समथिंग दैट यू से वैन यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग यूजिंग एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल संक्षेप में समरी में अगर कोई चीज़ को जो अपन शॉर्ट करके बोलते हैं तो एक ये ईडीएम है देखिए एक ईडीएम है ये एक मुहावरा है एक ये इन ए नेचल जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को आपको बतानी है लेकिन शॉर्टली शॉर्ट करके उसको बतानी है ओके okay, संक्षेप में बतानी है तो सिनेम में इसके ब्रीफली शॉर्टली कंसाइसली प्रिसाइसली या फिर समरली और एंटेनम हैं इसके एलैबरेटली या फिर एक्सप्लेनेटरी अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल हॉकिंग डिस्क्राइब्स इन इज रिसेंट बुक द यूनिवर्स इन ए नेचल हाउ ही ट्राई टू पुट इज क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन आइडियाज ऑन ए फिल्म थियोटिकल ठीक है और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही एक ट्रिक है और अपने आप में ही एक मुहावरा है इसलिए हम आपको इसकी ट्रिक नहीं बता रहे हैं और आपको ये ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्हें नटशेल जब भी इन्हें नटशेल की बात करी जाती है तो यानी कि कोई भी चीज़ को नट के शेल की बात करी है यानी कि छोटी चीज़ की नट के शेल यानी कि जो उसके भीतरी चीज़ है उसकी बात करी है ओके यानी कि कोई भी चीज़ की इंपॉर्टेंस की बात करी है सिर्फ वही बोलने के लिए बोला है तो इसलिए हम आपके उसके ट्रिक नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में एक मुहावरा है ओके फ्रेंड्स एक वापस से इनको रिवाइज करेंगे सो दैट वापस आपको अच्छे से याद हो जाए इन इन्हें नट शेल यानी कि संक्षेप में स्केप्टिसिज्म यानी कि डाउट करना किसी की चीज़ के ऊपर रिनेग मुकरना कंसेंसेज सर्वसहमति असॉर्टेड कोई चीज़ को इकट्ठा करना भिन्न भिन्न तरीके की स्प्राउट टू डेवलप करना विकसित होना वायबिलिटी विकास क्षमता प्रिक्यारिटी अनिश्चितता कोई भी जो चीज़ अनसेटल होती है रेफरेंडम जनमत र्यूज़ चाल चलना सो फ्रेंड्स ये आज के वो कैप है और हमने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करी है उम्मीद आपको पसंद आए होंगे और सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन ऑफ़ द डे में जो कि हमने थर्टी फर्स्ट जैन टू थाउजेंड से पूछा था वर्ड विच मेकेंस मीनिंग एंडलीउट दी आई रियलाइज इन रीजन यूजिक डैश टू एक्सप्रेस ओके तो यहां पर कई लोगों ने आंसर किया फ्रेंड्स और उसमें से नियर बाई से सही आंसर है जो कि लोगों ने कैंट दिया है ओके okay, तो सी आपका आंसर था जिसका मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप हैं जो लैंग्वेजेस बोलते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो यूज़ करते हैं हालांकि इसका आंसर ए भी हो सकता था जोकन भी हो सकता था लेकिन मोर प्रिसाइज और मोर जो नियरली आंसर है वो कैंट है तो कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं अगले में भी वो सही आंसर करेंगे देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज़ ग्रामेटिकली एरर इन इट आई डू नॉट विश टू मेक ए फॉर्मल कंप्लेन बट आई वुड हैव बीन बेटर प्लीज इफ यू गेव द अवार्ड टू द पर्सन हु बेस्ट डिजर्व इट या फिर नो no एरर तो आपके सामने पांच ऑप्शन है और आपको बताना है कि किसके अंदर मिस्टेक है Or concept part grammatically error hai. and you to give the answer while commenting on this video. And friends, if you are not subscribed to our channel team now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs, and quiz. Download vocab 24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So, friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.